हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग मेथड, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड कि स्ट्रिंग में कितने मेथड हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को अपने किस तरीके से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर मेरे प्रोग्रामिंग में कहीं पर कैपिटल लिख दिया, लेकिन मुझे बाद में उसे यूज करना है, लेकिन उसी को यूज करना है मुझे लोअर केस में, तो हम किसे किस तरीके से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमने कहीं पे लोअर केस लिख दिया है तो उसे किस तरीके से हम उसे कन्वर्ट करके उसी को यूज़ कर सकते हैं और दोबारा फिर मुझे कोडिंग ना करना पड़े। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये फाइल और आज लिखता हूँ फाइल नेम स्ट्रिंग मेथड sem.py। आप फुल नेम लिखें, आपको आसानी रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं छोटा लिखता हूँ कि ताकि रन करने में आसान हो। आप कौन यहाँ से बड़ा बड़ा नाम लिखेगा। ये सीएम यहाँ पे है, ओपन कर लिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग में बहुत मेथड है, इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये नहीं, मुझे सारा इंटरेस्टिंग लगता है। एक नंबर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम परमिशन कर सकते हैं अपने कोई भी कोई भी कैरेक्टर हो उसके लोअर में, अगर हमने टाइपिंग कर दिया है या यूजर ने कहीं होता ना यार प्रोग्रामिंग, जब आप फॉर्म भरते हो कहीं कहीं तो वहाँ पे लिखा होता कि आपको अपर केस में ही लिखना होगा, लेकिन अगर बाद में आपने भूल के लोअर में लिख दिया तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है ना ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा अपर में, और जो ऑफिस में जाएगा ना तो ऑफिस में ऑटोमेटिक अपर में जाके वहाँ पे सेव हो जाएगा डाटाबेस में। तो ये बहुत ही यूजेबल है आप सभी के लिए सारा मेथड, तो उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है कि किस तरीके से हम अपर में चेंज कर सकते हैं। अपर में चेंज करने के लिए बहुत आसान है, आपके पास जो वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल लिखना है और डॉट लिखना है और उसके बाद में लिखना है अपर, ये ब्रैकेट देना ना भूलें, बस इतना ही यूज़ करना है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो ये अपर में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तभी समझ आएगा आपको। जैसे कि पहले मैंने एग्जांपल में एक वेरिएबल बनाया, अभी यहाँ वेरिएबल पे नाम नेम है हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेम और अपर के अपर होना चाहिए बस। जैसे मैंने एक यहाँ पर अपना नाम लिख लिया, अब देखिए मैं कहीं फॉर्म भर रहा हूँ, अगर मैंने फॉर्म में लोअर केस लिख दिया है भूल के, तो लेकिन वहाँ का रिक्वायरमेंट है कि आपको अपर में ही चाहिए, वहाँ पे सबमिट करेंगे आप फॉर्म तो अपर में ही सबमिट होगा, लोअर में नहीं करना है। तो क्या होगा कि आप अगर भूल के कर दिए हैं तो जो सिस्टम होगा ना वहाँ पर पाइथन का अगर प्रोग्रामिंग किया है वहाँ पर लोगों ने या किसी प्रोग्रामर ने अगर बनाया है सॉफ्टवेयर, तो अगर आप लोअर लिखो या कैपिटल लिखो या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा अपर में और अपर का ही अपने डाटाबेस में सेव कर लेगा। तो चलिए कर लेते हैं उसको हम, बहुत आसान है ये। अगर प्रिंट करेंगे आप नेम को तब क्या होने वाला देखते हैं, तो आपको ये पता ही है कि अगर नेम प्रिंट करेंगे तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो दिखाता हूँ पहले आपको नेम sem.py, ये देखिए हो गया। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे ये जो आंसर है ना ये मुझे अपर में केस में चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखना होगा आपको यहाँ पर डॉट अपर, और ये ब्रैकेट ना बोलें नहीं तो नहीं आएगा फिर। ये देखिए सारा क्या हो गया, अपर केस में चेंज हो गया। तो ये बहुत आसान मेथड है ना, बस आपको इतना ही यूज करना है। आप दूसरा उपाय भी है अगर आप यहाँ पे सबको अपर केस में लिखें तो, लेकिन अब यही सेम मुझे मेरे पास है, लेकिन मुझे दो प्रिंट चाहिए। कहीं आपको ऊपर आपने कहीं मतलब प्रोग्रामिंग में 2-3-10 बार इसे यूज़ करना पड़ सकता है, तो कहीं आपको लोअर के में चाहिए हो सकता है, कहीं आपको अपर में चाहिए हो सकता है। तो ये इसको आप इस तरीके से बनाएंगे तो नहीं होगा ना भाई, जैसे कि नेम हो गया राजेश कुमार यादव। देखिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब जो कन्फ्यूज हो जाएगा यार कि मैं किसको यूज़ करूं, लेकिन आपको दोनों प्रिंट करवाना पड़ सकता है। आपके सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे हम, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे मतलब फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको लोअर में भी चाहिए हो सकता है वही चीज़, यही वेरिएबल, और यही वेरिएबल आपको कैपिटल में भी चाहिए हो सकता है। तो आप वहाँ पे थोड़ी ना ऐसे लिखेंगे भाई नेम अपर, इस तरीके से लिख के आप थोड़ी ना इसको प्रिंट करवाएंगे। सो सिंपली क्या करेंगे आप ना कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इसको, सिंपली आप क्या करेंगे ना कि आप एक ही वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन उसको जैसा आपको चाहिए आप उसके मेथड को यूज़ करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर लोअर में चाहिए तो आप सिंपली यही प्रिंट करवा दें, अगर आपको ये लोअर में है आपको अपर में चाहिए तो आप ये मेथड यूज़ कर लें,
क्यों आपको ये इसे चेंज करना है या क्यों आपको इसे दो बार लिखना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग बड़ा ही बनाना है अपना, तो आप पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप जावा यूज़ कर लें या कोई और प्रोग्रामिंग यूज़ कर लें। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का मतलब क्या है कि आपको जितना हो सके प्रोग्रामिंग उतना छोटा करो और उतना क्लीन करो कि लोगों को समझ भी आ जाए या जो अगला प्रोग्रामर होगा उसको समझ आ जाए। तो इसीलिए बहुत सिंपल है, आप ए एक बना लें वेरिएबल और उसको मेथड यूज़ कर करके आपको अपर लोअर जो चाहिए आप उसमें कन्वर्ट कर लें। जैसे इसी को अगर लोअर में चाहिए तो ये वाला यूज़ कर लें, अगर इसी को आपको अपर में चाहिए तो ये वाला यूज़ कर लें। जैसे मैं अपने दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अपर आ गया और लोअर भी आ गया। तो अगर आप यहाँ पे लोअर लिखते हैं तो भी हो जाएगा, दूसरा मेथड लोअर है। तो ये पहला मेथड था जो अपर कर सकता है ना, कि अगर आपने ये वाले मेथड यूज़ किया तो अपर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करके इसी को पेस्ट करता हूँ लोअर के लिए, बहुत आसान है वो भी, बस सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। अगर क्या हो कि अगर आपको लोअर में चाहिए तो आपको यहाँ पे लोअर मेथड लिखना होगा, बस लोअर लिखना होगा, समझ आ गया होगा ना। अगर आपको अपर चाहिए तो आप ए वाला प्रिंट करवाएंगे, या अगर आपको लोअर चाहिए तो आप ए वाला प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास वेरिएबल ए है, अपर केस में है, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे इसको ना लोअर में प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे डॉट लोअर लिखेंगे बस, ये देखो अपर था लेकिन लोअर में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे मेथड अगर आपको अपर में करना है तो डॉट अपर लिखना होगा, अगर आपको लोअर में करना है तो डॉट लोअर लिखना होगा। लेकिन ये ब्रैकेट ना भूलें, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखा ना तो फिर नहीं बनने वाला भाई। ये देखो पता नहीं क्या आ रहा है, बोला कि नहीं हो सकता, मतलब इससे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो आपको करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लिखना ही होगा। तो चलिए समझ मुझे हमें समझ आ गया कि यार ये दो मेथड किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट का काम आ गया कि जो थर्ड मेथड है ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर में ना किस तरीके से लोगों से या अपना या किसी का भी टाइटल किस तरीके से दे सकते हैं। या टाइटल का मतलब आपको समझ आया होगा, टाइटल का मतलब क्या होता है ना कि टाइटल का हर पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर जो होता है ना हमेशा कैपिटल होता है और बाकी ये सारा क्या होता है हमेशा स्मॉल होता है। तो वो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं उसमें, किस तरीके से हम उसे इस मेथड को बना सकते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, बाहर डायरेक्ट टाइटल लिखना होगा सेम इसी तरीके से, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं चलो यहाँ पे इसी को लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल। तो जैसे ही मैं टाइटल लिखा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना सबको चेंज कर देगा और जो पहला कैरेक्टर होगा वो हो जाएगा कैपिटल और जो ये सारा होगा ना इन सबको क्या कर देगा स्मॉल कर देगा, सेम इसी तरीके से सबको करेगा। चलिए रन करके देखते हैं, ये देखिए आर कैपिटल बन गया सारा स्मॉल हो गया, के कैपिटल बन गया सारा स्मॉल हो गया, वाई कैपिटल बन गया ये सारा स्मॉल हो गया। समझ आया होगा आपको, अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं और सॉल्व पढ़ाऊँगा। और क्या है कि इसी को ना कि मैं डिलीट करके फिर दोबारा अपलोड कर दूंगा इसी के जगह पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आता होगा क्योंकि मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, मेरा वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाता है ना, सिर्फ इसी वजह से कि आपको समझाना है। तो ये हो गया तीन मेथड। अब चौथा मेथड जो है हमारा कि किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं यार कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं। क्या होता है ना कि कहीं कहीं आप जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो वहाँ पे हमें एक लिमिटेशन देना होता है यूजर को कि भाई तू इतना ही कैरेक्टर इनपुट कर सकता है। जैसे कि एक मैंने फॉर्म बनाया तो कंटेक्ट के लिए फॉर्म बनाया, तो उसमें जो ईमेल सिस्टम होगा ना मैंने ईमेल पे कर देना है कि भाई तुझे सिर्फ इतना ही करना है, मुझे 100 कैरेक्टर या 200 कैरेक्टर या 300 कैरेक्टर आप इतना ही लिख सकते हो, उसे आप नहीं सेंड कर सकते। तो उस टाइम पे आपको लेंथ भी चेक करना होता है कि मैंने यार कितना लेंथ है इसको दिखाना है। तो उसके लिए आपको ये मेथड यूज करना होगा, लेंथ मेथड होता है, और लेंथ चेक करने के लिए बहुत ही ईजी है ये भी। मैं चाहता हूँ ना कि ये सारा एर जो एरो है ना ये भी एरो है ना, ये एरो की तरह है ना, ये भी ये सेम आए जाको, आपको मज़ा आए देखने में भी। मुझे लगता है सारा क्लीन होना चाहिए ना कोड। तो अगर आपको लेंथ चेक करना है ना तो बहुत आसान है, आपको लेंथ लिखना होगा और ब्रैकेट में लिखना होगा किसका लेंथ चेक करना है, वेरिएबल यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया इससे है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होगा और वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे नेम है। तो चेक कर लेते हैं एक बार,
अब यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ सबको। अब यहाँ पे लिखता हूँ लेन, किसका लेन, नेम का। जो नेम है ना इसका लेंथ मुझे चाहिए, लेंथ चाहिए। तो चलो ये बहुत बड़ा है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि गन काउंट भी कर सकें हम। अब कितना हो गया, 1 2 3, 3 6 है टोटल ना, तो हमारा आंसर होना चाहिए 6। ये देखिए हमारा आंसर 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर मुझे और लिखना है यहाँ पे कुमार, तब क्या होगा, ये 6 हो गया, ये कितने है, 5 है। अब 5 और 6 11 हो गया ना, 11 हो गया। अब बाकी एक स्पेस है, इसको भी काउंट कर लेगा, इसको इस स्पेस को भी काउंट कर लेगा। तो टोटल हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। तो चल के देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि जो स्पेस है ना वो स्पेस को भी काउंट करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आएगा, आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, जो मेथड है 5। जो 5 मेथड है ना कि इसको काउंट करना बोलते हैं, कि यार जहाँ जितना भी आप यहाँ पे लिख दो सबको काउंट कर ले कि सारा कितना है, लेकिन सिर्फ उसको ही करे जिसको आप चाहते हो। जैसे कि मैं राजेश कुमार यादव लिख दिया, मैं लिखना चाहता हूँ आई एम फ्रॉम नेपाल। तो आपको पता होगा कि मैंने ये इसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये इसको एक्सपीरियंस के लिए काम करता है ना। तो अब यहाँ इतना ज़्यादा कैरेक्टर हो गया। अब इसमें से मुझे चेक करना कि यार जो ए हो, ए है ना ए, इसको भी मैं इस्माली कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है कि आप किसी को, एक कैरेक्टर को आप चेक कर सकते हो कि कितना बार वो आता है, वो किस कैसे कर सकते हो आप काउंट मेथड यूज़ करके। तो उसके लिए आपको किस कौन सा मेथड है वो, तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, नेम, यानी नेम नहीं यार भाई, वेरिएबल, यानी कि नेम तो ये है ना। अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा तो आपको शायद दिक्कत हो जाए। नेम डॉट काउंट लिखना होगा, ब्रैकेट देना होगा, उसमें यहाँ पे डबल कोट लगाना होगा। डबल कोट के अंदर लिखना होगा कि आपको किसको काउंट करना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा है ना, तो किसको आपको काउंट करना है, आर को करना है कि ए को करना है, कि जे को, कि यू को, कि किसको। मैं सबसे पहले आर को काउंट कर लेता हूँ कि आर कितना बार आता है इस पूरे पेज, मतलब पूरे पैराग्राफ में या पूरे मैसेज में जो आप लिखेंगे उसमें आर कितना बार आता है। तो चलिए इसके लिए सिर्फ यही मैसेज करना है, वेरिएबल का नाम काउंट एंड, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वेरिएबल का नाम पहले क्या है, राजेश है, वो नेम है। अब नेम पे आप लिखेंगे काउंट, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने, डबल को लगाएंगे है ना। अब किसको चेक करना है आपको, यहाँ से उसको यहाँ पे लिख लो, आर को करना है, आर को लिख ले दिया, 3 आया। इसका मतलब यहाँ पे आर 3 बार होना चाहिए, एक यहाँ पे है, ये देखिए एक यहाँ पे, 2 और 3 बार है आर। तो देखिए आर 3 को चेक किया तो 3 बार आ गया। और क्या कि मैंने अगर ए को चेक करना हो तो, अब देखते हैं ये कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो आंसर हमारा 5 होना चाहिए। ये देखिए 5 आ गया। तो अगर ये क्या करता है काउंट, कि किसी एक कैरेक्टर को जिसको आप चेक करना चाहते हो, या किसी एक स्पेसिफिक वर्ड जो होता है ना पूरा, उसको चेक करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप यूज़ करोगे काउंट। मज़ा आ गया होगा आपको। तो ये सारा आइडिया था कि किस तरीके से हम अपने मतलब प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं, और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल भी बोल सकते हैं इसे, या मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एडवांस तो है नहीं वास्तविक में ये, किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि कोई आपके पास कुछ है ना, जैसे कि मेरे पास है, मैंने इसको यहाँ पे छोटा बनाता हूँ इसको, ये जो राजेश है ना, या राजेश कुमार है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैं किसी एक कैरेक्टर को, जैसे कि आर हो गया, अगर मैंने भूल के आर को मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, तो अब एम को ना किस तरीके से मैं रिप्लेस करके आर बना सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, रिप्लेस वाला मेथड। तो रिप्लेस मेथड भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाने वाला है। क्या लिखना होगा ना कि आपको वेरिएबल लिखना होगा, और डॉट लिखना होगा रिप्लेस, और उसके बाद में रिप्लेस कैपिटल देना होगा, फिर 2 बार यहाँ पे आता है ऐसे इस तरीके से, 2 बार डबल कोड आता है। पहले बार आपको लिखना होता है कि किसको रिप्लेस करना है, इसमें से किसको आपको रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। जैसे कि मुझे इसमें से ईएम को रिप्लेस करना है, और ईएम के जगह पे इसके मतलब पोजीशन पे मुझे क्या लाना है, मुझे उसके पोजीशन पे आर लाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे।
तो पहले लिखेंगे किसको करना है, और बाद में लिखेंगे कि किसके साथ करना है। इसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। प्रिंट हो गया। अब सिर्फ मैं ये मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ इस सेम तरीके से। वेरिएबल का नाम क्या हो गया यहाँ पे, अब नेम है डॉट, अब रिप्लेस लिखेंगे। अब इसे रिप्लेस किया, देखिए आ गया यहाँ पे, ये आ गया। मैंने ब्रैकेट दिया पहला, इस पे ये हो गया, बन गया ना सेम इस तरीके से। अब मुझे किसको रिप्लेस करना है, एम को करना है, यानी कि जो एम है तो ये मिस्टेक है, एम को करना है। एम को किसके साथ करना है, आर के साथ, मैं कैपिटल आर लिखूँगा अब। तो देखिए प्रिंट करके देखते हैं एक बार क्या होता है। ये देखिए बन गया ना यहाँ पे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी एक एम था, अब ये भी हो गया। इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल लिखता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसको कैपिटल लिखा, कैपिटल लिखा। अब मैं यहाँ कैपिटल के साथ चेंज करता हूँ, कैपिटल एम के साथ कैपिटल आर, जो यहाँ पे कैपिटल एम है ना, इसके साथ मैं कैपिटल आर यूज़ करूँगा। अब इसको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर सकता, देख लो। सिर्फ इसी को चेंज किया है, देखिए यहाँ पे माँ था ना, अब यहाँ पे एम था ना, यहाँ पे आर बन गया। देखिए क्योंकि ये जो कैपिटल है ना, इसमें एक केस सेंसिटिव बोला जाता है इसे, कि आप अपर लिखेंगे तो अपर के साथ ही वो रिप्लेस हो सकता है, अगर आप लोअर लिखेंगे तो लोअर के साथ ही रिप्लेस हो सकता है, उसके अलावा और किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि यार किसी के साथ भी वो चेंज हो जाए या किसी के साथ भी वो रिप्लेस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि कभी कभी हम जो पहला ए यहाँ पे मैंने कहीं बोल के आर को छोटा लिख दिया ना इस तरीके से, तो मुझे यार ये छोटा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ऊपर जाके या आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दो जो कैपिटल आर है ना, वो बड़े यार में चेंज हो जाए। लेकिन अगर आपके पास और कोई यार है तो वो भी चेंज हो जाएगा, ये भी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। मतलब समझ आ गया ना कि आपको, कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल एम लिख दिया है, अगर कैपिटल एम है यहाँ पे मेरे नाम पे, लेकिन मुझे राम को अगर चेंज करके मुझे सही करेक्ट करना है मेरा नाम, तो इसे अब जो एम था उसे चेंज करना होगा आर के साथ। अगर इसे आर के साथ चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले किसको चेंज करना है, और यहाँ पर लिखेंगे किसके साथ चेंज करना है। समझ आ गया होगा ना आपको, किसको चेंज करना है और किसके साथ चेंज करना है, ये बात आप नहीं भूलें कभी भी। और मुझे उम्मीद है आपको पता ये चल गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एसएमएस करें, मुझे ईमेल करें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये था थोड़ा सा, मतलब बहुत यूज होने वाला ये सारा मेथड था। इसके अलावा अगर एक दो मेथड और है, जैसे कि हो गया स्प्लिट या और कोई, तो इस पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पढ़ा था ना हमने डॉट स्प्लिट वाला, डॉट स्प्लिट ए सिक्सटी वाला करके पहले हमने किया था ना, पहले ही कर चुके हैं इसको, तो ये अभी नहीं करने वाले यहाँ पे, क्योंकि तो ये अभी यहाँ पे कोई काम नहीं इसका। अभी जो जितना काम था वो सारा मैंने आपको समझा दिया, और मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बार क्विक देख लेते हैं कि यह हमने क्या किया यहाँ पर। पहले अगर जो नाम होगा, अगर उसको या कोई भी जो वेरिएबल होगा उस पर डॉट अपर लिख देंगे आप, तो केस को जो भी लिखें आप उसको अपर कर देगा। अब वेरिएबल जो भी हो उसको अगर डॉट लोअर लिख देंगे तो वो जितना है सबको लोअर कर देगा। वेरिएबल डॉट टाइटल लिख देंगे तो क्या होगा कि पहला लेटर कैपिटल कर देगा और बाकी सबको लोअर कर देगा, जैसे ये दोनों कैपिटल कर देगा बाकी सबको लोअर कर देगा। अगर आप लाइन करेंगे तो लाइन का मतलब होगा कि लेंथ, किसका लेंथ, वेरिएबल जो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि जो ए है, तो अगर आप ए मेथड यूज़ करेंगे तो क्या करेगा इसका लेंथ चेक कर देगा कि इसका एक कितना लेंथ है, 1 2 3 काउंट करके सबको आपको दिखा देगा। ये अगर काउंट चेक यूज करेंगे डॉट वेरिएबल डॉट काउंट मेथड, तो ये काउंट करेगा, किसको काउंट करना है आपको यहाँ पर इसके अंदर लिखना होगा। और जो वेरिएबल डॉट रिप्लेस है, ये रिप्लेस मेथड रिप्लेस करेगा, जिसको करना है आप इसको यहाँ पर लिखेंगे और किसके साथ करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। बहुत आसान था और बहुत ही यूजेबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करिए भाई, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, वहाँ पे एक छोटा सा बटन भी होगा डिसलाइक का। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ पे बेल बटन होगा उसको ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं जितना भी आपके लिए कोर्सेस लेके आऊँ, जावा, पाइथन, PHP, वेब एप्लीकेशन, गेम, ये सारा आपको आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक ट्यून, गुड बाय।